एक 35 साल के लड़के का फोन मुझे आया और वो बोले मुझे कुछ पूछना है, आप बताइए। बोले क्या पूछना है? बोले मैं एक लड़की देखा हूँ, शादी करने की है, पसंद ही आई है, पसंद हो गई है, एक दूसरे को पसंद किया है, मगर अभी आपको पूछना है कि मैंने उसके साथ में शादी करना कि नहीं करना। बोले क्या हो गया? तो बोले उसको मानसिक बीमारी है कि नहीं ये मेरे को कंफर्म करना है और इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो आइए बात करते हैं कि भाई मानसिक बीमारी सचमुच क्या होती है, मतलब चलते फिरते अच्छे आदमी को, काम करने वाले को मानसिक बीमारी है तो उसके लक्षण क्या है, तो उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तंत्र महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, उनके कॉमन सवाल जो है शादी के पहले वो है कि लड़की को खाना पकाना पूरा आता नहीं, या वो 10th फेल है, या फिर बहुत सादी भूली है, या फिर लड़की वाले आते हैं कि लड़का बहुत सादा भोला है, 10वीं फेल है, पिताजी का काम देखता है, एक्चुअली क्या करता मालूम नहीं। तो ऐसे कुछ सवाल आते रहते हैं। अभी ये जो है कि मैंने उनको पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है लड़की को, तो बोले वह तो पढ़ाई लिखाई अच्छी की उसने, ग्रेजुएट है, होशियार है वैसी, मगर उसको स्कूटी चलाने के समय प्रॉब्लम आता है और स्कूटी चलाती नहीं, बाइसाइकिल चलाती नहीं, कोई टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर का सवाल ही नहीं आता। बोले अच्छा और क्या प्रॉब्लम है? बोले और कोई भी नए व्यक्ति के साथ में बात करने के लिए वो डगमगाती है, डरती है, बात नहीं कर सकती। बोला और क्या है? नहीं बोले उन्होंने ये बोला कि नहीं ये कभी अकेली बाहर गई नहीं है हमारी लड़की, बहुत हमने लाड़ प्यार में उसको पाला पोसा है, तो उसको बाहर जाना, शॉपिंग करना, उसमें भी उसको बहुत डर लगता है। बोला भाई ठीक है और क्या होता है? नहीं बोले इतना ही है। तो मैंने बोला फिर इसको ऐसा है कि भाई गाड़ी चला सकती नहीं है, अकेली बाहर जाके कोई शॉपिंग नहीं कर सकती है, नए आदमी के साथ में मिलने के लिए डरती है, बात करने के लिए डरती है। तो भी लड़के को तो लगा चलो अच्छा है, इसका मतलब उसको कोई फ्रेंड नहीं होंगे, बॉयफ्रेंड्स नहीं होंगे, बाहर जाती नहीं है, मतलब एक तरह से तो बहुत अच्छी है, सुसंस्कृत है। मतलब ठीक है वो तो बात बराबर है, मगर प्रॉब्लम अभी शुरू होता है कि भाई जब गाड़ी चलाना आता नहीं, मतलब उसको क्या फोबिया है गाड़ी चलाने का, बाहर जाने को डर लगता है, तो क्या रास्ता क्रॉस करने का फोबिया है, डर है, भयगंड है, मतलब क्या है, क्या देखना पड़ेगा ना। इसका मतलब यह है कि उसका मन कमजोर है, हो सकता है कि उसको फोबिक न्यूरोसिस है, हो सकता है कि उसको एंग्जाइटी है, हो सकता है कि उसको कुछ भी नहीं है मगर एक एंग्शियस पर्सनैलिटी है, तो फिर आपको और देखना पड़ेगा। चलो बाकी तो सब ठीक है, फिर मैं शादी करूं कि नहीं करूं? मेरा सभी से यह सवाल है कि आप जब कोई भी शादी के लिए प्रस्ताव रखते हो, पूछते रहते हो और वो बोलते हैं कि हमको प्रॉब्लम है और आपके मन में डाउट आ रहा है, और जब मेरे को आप सवाल कर रहे हैं तो ये इसमें क्यों शादी करना नहीं, क्या जब आपके मन में सवाल आ रहा है इसलिए मेरे को आपने फोन किया। अभी एक लड़के ने, इतने में एक लड़का मिलने आया, बोले वो लड़की जो है सब पसंद हो गई, बोले बहुत लड़कियों के बाद में मैंने लड़की पसंद किया। बोले कभी कभी ऐसा होता था कि मैं लड़की पसंद करता था तो लड़की मेरे को पसंद नहीं करती थी, ऐसे इसमें अभी एक लड़की पसंद आई, सब ठीक है, पढ़ी लिखी है, सर्विस करती है, सब ठीक है, मगर बोले उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी शादी करूँ कि नहीं करूँ? मतलब तुमको डाउट आ गया ना और इसलिए तुम मेरे पास में आया ना, फिर क्यों कर रहे शादी? मैंने उनको ये बोला कि आप कपड़े की दुकान में गए और वहां आप नया कपड़ा, नया शर्ट, नई साड़ी खरीद रहे हैं और आपको खरीदने के समय मालूम है कि मतलब डिफेक्टिव है, तो क्या आप उसको खरीद लेंगे डिफेक्टिव माल? नहीं। बोले ये समझो बाद में मालूम पड़ता और बताते नहीं तो। बोले हाँ आप साड़ी या शर्ट खरीदने गए और आपको वहां दिखाने कि उसको छेद है और घर आने के बाद में मालूम पड़ा तो भी दुकानदार बदलने को तैयार नहीं, बताते नहीं तो ठीक है भी जो हो गया वो हो गया, मगर बताने के बाद में जब मालूम है कि माल डिफेक्टिव है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव है, तो वो माल आप लेंगे क्या, कपड़ा लेंगे क्या? बोले नहीं लेंगे। तो फिर ये जिंदगी और मौत का सवाल है, फिर आप पहले से ही जब मालूम है कि प्रॉब्लम है तो फिर क्यों कर रहे हैं? फिर लोग बोलते नहीं नहीं, फिर एक सोशल ये आता है कि भाई नहीं नहीं फिर ये लोगों की शादी किसके साथ में होंगी, फिर अपन ने भी देखना चाहिए ना, मतलब वो बात अलग है।
दैट इज डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। कि एक सोशल कॉज करके आप शादी कर रहे हैं, लंगड़े लुड़े से शादी कर रहे हैं, वो बात अलग है, करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप मेरे पास में आते तो मैं बोलूँगा कि भाई पहले से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अब ये लड़की में गाड़ी चलाना स्कूटी चलाना प्रॉब्लम है, बाइक बाइसिकल उसने कभी चलाई नहीं, साइकिल चलाई नहीं, उसको डर लगता है, पहले से प्रॉब्लम है। अभी आगे चल के और क्या क्या प्रॉब्लम निकलेंगे, और जो एंग्जाइटी पर्सनैलिटी है या एंग्शियस पर्सनैलिटी है या फोबिया है, उसको और नए नए प्रॉब्लम चालू हो सकते हैं आगे चल के। फिर ठीक है, आप ये करो कि आप उनके माँ बाप को कुछ है क्या पूछो, तो फिर उन्होंने वो भी पूछा, बोले हाँ माँ को है ना डिप्रेशन है, मतलब अभी लो तेरी की माँ को भी डिप्रेशन है, लड़की को एंग्जाइटी को काय को लेना भाई। तो आपने ये सब देखने को होना जरूरी है, ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, मतलब अनुवंशिक नहीं है, फोबिया या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या एंग्जाइटी अनुवंशिक नहीं है। बोले बच्चों को होगा क्या, मतलब बच्चों को होगा तो गारंटी नहीं है, होगा कि नहीं होगा, मगर वो वातावरण में बच्चा यदि रहता है, उसका पालन पोषण होता है, जिसके माँ बाप एंग्शियस है, फोबिया है, ओसीडी है, तो वहाँ ओसीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसको गोली लेनी पड़ेंगी, और प्रेगनेंसी में दवाई खा रही है तो उसके उसका असर बच्चों के ऊपर होगा। यदि बच्चों को फीड करेंगे और उस समय दवाई खाएंगी एंटी एंग्जाइटी एंटी डिप्रेशन, उसका इफेक्ट होगा। आज दवाई नहीं खा रही, आगे चल के दवाई खाने की जरूरत पड़ी तो इसलिए ये टाल दिया तो अच्छा है। तो उसको मेरा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने ठीक है मैं डाल देता हूँ। और ये आपने देखना चाहिए, आज तो ऐसा है कि भाई आपने भी देखना चाहिए कि भाई उसको कुछ बीमारी है क्या। अभी ऐसा है कि हमने यदि पूछा कि भाई HIV है क्या, पहले टेस्ट करवाओ तो शायद लोग आंख पे आएंगे, लोग तो झगड़ा करेंगे HIV ऐसा कैसा पूछ रहे, मगर HIV इतना कॉमन है कि लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स है उसमें HIV ले लेते हैं, तो वो टेस्ट अभी बहुत ही है नाजुक सवाल है कि भाई पूछ लेना कि भाई HIV टेस्ट करके लाओ, दोनों के भी, लड़का और लड़की दोनों को भी पूछेंगे तो प्रॉब्लम है। तुम्हारे कोई बीमारी है क्या, ये पूछना जरूरी है, और उनको यदि पहले से बीमारी है तो अवॉइड करना चाहिए। और माँ बाप को ऐसी बीमारी की जो अनुवंशिक है, जैसे माँ बाप को दोनों को डायबिटीज़ है, फुल चांसेस है कि लड़के को डायबिटीज़ हो जाएगा, अवॉइड करो ना, क्यों करना है। तो ऐसे ये शादी के पहले सब ये जो केयरफुल होना जरूरी है और इसकी मालूमात होना जरूरी है, और ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वो लोगों को शेयर करो कि जो लोगों को शादी करना है, जो लड़कियां लड़के देख रहे हैं, और उनको सवाल है कि करना कि नहीं करना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।